सोयाबीन की कीमतों में वायदा में 6800 का स्तर दिखने के बाद अब गिरावट देखने को मिल रही है। दरअसल जिन किसानों ने सोयाबीन को स्टॉक किया हुआ था, उन किसानों ने अब सोयाबीन धीरे धीरे बेचना शुरू कर दिया है। किसानों का कहना है कि उनके सोयाबीन का स्टॉक करने से कीमतों में कुछ तेजी तो बनी थी, जिससे उनको कुछ फायदा भी हुआ था, लेकिन अब उन्हें आगे बुआई भी करनी है, घर का खर्चा भी निकालना है और वे इतने सक्षम नहीं हैं कि इससे ज़्यादा और स्टॉक करके रखे, इसलिए उन्हें सोयाबीन को मजबूरी में बेचना पड़ रहा है। वहीं जानकारों का कहना है कि जो किसान सोयाबीन को स्टॉक करने में सक्षम है, उन्हें आगे अच्छा मुनाफा मिलता नजर आ सकता है। साल 2022 में जनवरी के अंदर वायदा बाजार में सोयाबीन के 7000 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इससे ज़्यादा तेजी तभी संभव हो सकती है अगर सोयाबीन की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है और आवकें कम और विदेशों के अंदर तेल तिलनों में की तेजी देखने को मिलती है, तो आगे जाके सोयाबीन की कीमतें इससे भी ज़्यादा तेजी की ओर जाती नज़र आ सकती हैं। लेकिन ये वक्त ही बताएगा कि क्या सोयाबीन में इससे ज़्यादा भी तेजी आएगी कि नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।